गाय जी ये देखो जल गया, थोड़ा मुझे भुवनेश्वर का फील दे रहा है। देखो गाय जी ऐसे कुछ दिखता है। गाय देखो ये मार्केट दिखाया था ना मैंने, ये देखो बनाना सब्जी सब चीज मिलेगा। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं सीधा पुणे से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जिधर रह रहा हूँ ना गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे सोता हूँ और ये देखो मेरे सामान कैसे पड़ा हुआ है, इधर ऐसे रखा गया हूँ। और ये फ्लैट ना एक्चुअली खाली जैसा है पूरा, और मैं ये दिखाता हूँ ये एक रूम है, उधर इधर देखो टंगा गया है ऐसे क्योंकि सुखाने के लिए कोई जगह नहीं। ये मेरा बैग है इधर रखा गया है, और ये ऐसा के रूम है आप देख सकते हो। ये अंदर बाथरूम है, ये वाला देखो ये बाथरूम है, क्या बाथरूम दिखाना आपको। और ये वाला है किचन है देखो, ये छोटा सा गैस सिलेंडर लिया और ये खाना खा के मैं इसे डाला गया मतलब इधर ऐसे पड़ा हुआ है, उसको साफ करूंगा आके, अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। और ये देखो कुछ सामान मैंने खरीदा और मेरे भाई ने कुछ दिया, और ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है ये ला के मैं रखा हूँ। ये गाजर वाजर जिम जाने का सोच रहा हूँ, अभी तक जिम नहीं गया ज्वाइन नहीं किया, लेकिन गाजर ककड़ी सब ला के रखा। और गाइस दिखाता हूँ ये जैसा एक हॉल जैसा है, और इधर भी एक बाथरूम है, इधर भी टंगा गया है क्योंकि सुखाने के लिए कुछ ऐसे मेरे पास सामान नहीं है कि क्या सुखाऊं। ये भी एक बाथरूम है इंडियन वाला, और ये एक हॉल जैसा है, और इधर देखो ये चार्ज करने के लिए मैं इधर बैठाया, और ये वाला ऐसा कुछ सीन है ये साइड देखो। और गाइस अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा खा पी के आते हैं, कुछ चाय वगैरह पीते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं बाहर। ये देखो गाइस यहाँ पे इधर उधर उधर सब कोई रह रहा है, और ये लिफ्ट है भाई मेरे घर में लिफ्ट है। ओ गाइस मेरे पीछे देख रहे हो फ्लैट, इधर ही मैं रह रहा हूँ गाइस, और मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, और मुझे ना बहुत अकेला फील हो रहा है गाइस, मैं क्या बोलूँ आप, बहुत अकेला लग रहा है और अलग अलग टाइप का लग रहा है क्योंकि मैं कभी पुणे नहीं आया, दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं पुणे आया। मार्केट में जा रहा हूँ, ये देखो रोड कैसा है, ये वाला बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, ये वाला बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ गाइस, ये वाला रूम है मेरा। ये देखो रोड कैसा है, मैं ये सीधा अभी जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। मैं एक्चुअली पुणे से 20 किलोमीटर दूर के एरिया में रहता हूँ, मतलब इधर से पुणे जाने के लिए 20 किलोमीटर लगेगा। और इधर ये मछली वगैरह देखो क्या रखे है, ऑटो भी आपको मिल जाएगा इधर भी जाने का। ये फिश है भाई, फिश रख के ऐसे बेच रहे हैं। और ये देखो सामने टेंपल है, राइट हैंड साइड में ये सब्जी वाला मार्केट है आप देख सकते हो, ये साइड में हम लोग जाएंगे और चाय पी के थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। क्या हो रहा है, कुछ इतना सारा सब्जी लेके जा रहे हैं भाई, और ये तो बिल्डिंग बन रहा है। और गाइस मैं इधर एक देखा ना, बहुत सारा ज्यादा बिल्डिंग बन रहा है, जिधर भी देखो नया नया बिल्डिंग बन रहा है। और यार ये इतना सारा ऑटो देख रहा हूँ मैं, एक चीज ही सोचा कि एक दिन कि मैं ऑटो में जाऊंगा, चलो एक भी ऑटो नहीं मिला मुझे भाई, मेरे तरफ ही आ रहा है ये गाड़ी, ये कितना आएगा। ओ गॉड देखो गाइस ऐसे कुछ दिखता है, ये होने वाला का सीन है, क्रॉस करके जाना पड़ेगा। उधर है मेरा चाय का शॉप। ओ गाइस ये थोड़ा मुझे भुवनेश्वर का फील दे रहा है, भुवनेश्वर टाइप का थोड़ा लग रहा है मुझे। और भैया बैठे हुए हैं चाय पिलाने के लिए, गुड मॉर्निंग चाय भैया। गाइस ये देखो ये बिस्किट लिया मैंने, और ये टी है, अभी इधर ऐसे ही मिलता है। और बन मस्का बहुत ज्यादा फेमस है, सुबह सुबह खाते हैं, लेकिन आज तो खत्म हो गया भैया ने बोले, तो बन मस्का अभी नहीं मिलेगा, तो जिस दिन खाऊंगा आपको दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा लोग बन मस्का पाव भाजी खाते हैं, साइड में एक शॉप दिखाता हूँ उधर पूरा मिलता है पाव भाजी, ये वाला। गाइस देखो भैया ने प्लेट दिया, और ऐसे खड़ा होके आप खा सकते हो, और पीछे में भी बैठने के लिए जगह है, बैठ के भी खा सकते हो। चाय के साथ डुबा के खाने में मजा आ रहा है यार। गाइस एक चाय से मन नहीं भरा, दो चाय मंगाया, और दो चाय का कितना रुपया आपको पता है, एक चाय का 12 रुपया भाई। ओ गाइस बारिश आने लगा गाइस, जल्दी से चलते हैं क्योंकि मुझे दाल चावल बनाना है आज, दाल चावल भी लेके चलते हैं। वो सामने आप ग्रोसरी स्टोर देख रहे हो, उधर जाऊंगा थोड़ा दाल चावल लूंगा, आज दाल चावल बना के खाएंगे भाई। बारिश ये देखो क्लाइमेट देखो यार, पूरा बादल घिरा है यार, गिरा हुआ है पूरा बादल यार, आज बारिश भयानक होगा। और ऐसे ही ऊपर में मेरा तबीयत खराब है भैया, मूंग दाल नहीं भैया। गाइस मैं एक शॉप में आया हूँ छाता लेने के लिए क्योंकि बारिश हो रहा है, और मेरे पास छाता भी नहीं है। देखो ये गणेश पूजा डेकोरेशन के लिए पूरा रखे भैया, छाता है क्या आपके पास? ये देखो भैया स्टोर है, और छाता लेके जाएंगे यार। गाइस ये ले लिया मैं छाता, और छाता लेते ही बारिश गायब भाई, बारिश गायब हो गया। छाता खरीदा ये भी 450 का गाइस, ये वाला छाता 450 का, तो अभी ओ भाई ये तो उड़ा दे रहा है यार, पवन इतना हवा इतना चल रहा है ये उड़ जा रहा है भाई। ओ गाइस आगे मैं चल रहा हूँ, थोड़ा दाल चावल भी वो दुकान में नहीं मिला, तो वो आगे जाके मिलेगा गाइस। ये रोड देखो, बड़ा बड़ा भारी भरकम का ट्रक भी आ रहा है भाई। ओ कितना धूल अंदर मुँह में घुस गया, रास्ता ऐसा है लेकिन अपार्टमेंट पूरा खड़ा है देखो,
पूरा बहुत बड़ा बड़ा। ये एरिया शायद डेवलप हो रहा है, उधर काम भी चलने के लिए। देखो पाइप वाइप क्या ला रहे हैं। इधर जा नहीं पाऊंगा, इधर से ही जाऊंगा। गाइस ये देखो पहुंच गया हम लोग, ये सामने वाला जो ग्रोसरी स्टोर है ना भाई, रोड पूरा काम चल रहा है। भाई भाई बहुत गाड़ी आ रहा है गाइस, किधर भी देखो काम चलता है। मूंग दाल लेके जाएंगे ये ग्रोसरी स्टोर से। भैया मूंग दाल है? मूंग दाल देखो, चावल है पूरा, मूंग दाल भी लेके जाएंगे। गाइस देखो ये मार्केट दिखाया था ना मैंने, ये देखो बनाना सब्जी सब चीज मिलेगा, और थोड़ा बड़ा मार्केट भी है। आप देख सकते हो ये साइड पूरा उधर तक है, और मैं ये लेके आ गया। देखो चावल दाल पूरा, गोभी वोभी सब कुछ है, वेजिटेबल्स। तो गाइस ये बर्तन भी धोना पड़ेगा। गाइस मम्मी देख रही हो कितना काम कर रहा है तुम्हारा बेटा, घर में कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खा के सो रहा था, इसलिए बहुत याद आ रही है मम्मी ये सब, कितना काम घरों में। गाइस ये देखो ये दाल थोड़ा ना इसमें फ्राई करके खाएंगे, तो इसको दाल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। यार मेरा मम्मी को फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा, इतना हो जाएगा क्या? गाइस एक चीज बोलूं, मैं भूल गया, मतलब इसको वो जो इसको बनाने के लिए जो यूज करते है ना लकड़ी का, तो वो लाना भूल गया। तो इससे देखो मैं नाइफ में ऐसे कर रहा हूँ, पर क्या करूंगा, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं भूल गया, आज ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा फिर। गाइस ये देखो जल गया। गाइस भाई अच्छा लगेगा कि नहीं, ये पूरा जल गया लग रहा है मुझे। गाइस ये प्रेशर कुकर में मैंने चावल भी चढ़ा लिया, और ये दाल थोड़ा सा जल गया, इसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, क्योंकि इतना सारा नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खराब लगेगा। ट्राई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा, नहीं तो आज जला हुआ दाल खाना पड़ेगा। गाइस मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करूंगा, और ओरिसा का याद बहुत आ रहा है गाइस, बहुत ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ ओरिसा को। गाइस देखते हैं कैसे दाल बना। यार निकल क्यों नहीं रहा है, ओ टायर्ड हो गया, नहीं निकल रहा। हाँ निकल गया भाई, ये क्या दाल बन गया। गाइस देखो अभी ये कैसे, इसमें मैंने टोमेटो ये डाला था, ऑनियन भी है। गाइस थोड़ा नमक कम हुआ है इसमें, थोड़ा नमक भी डाल देते हैं, और ये बहुत तीखा हो गया, मैं मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था साइड। और ये साइड में देखो मैंने राइस बना के ये रख दिया था इधर, तो राइस और दाल दोनों मिला के खा लेंगे। गाइस पता नहीं कैसे टेस्ट लगेगा, बट इतना भूख लग रहा है कि जो बना है उसको खाना पड़ेगा। गाइस कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो बना है उससे खाना खा के चलाना पड़ेगा। गाइस गाइस ये आ चुका है हमारा दाल चावल, तो इसी को ही आज दाल चावल को खाना पड़ेगा। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे लगा ये दाल चावल, अच्छा तो नहीं मैं बनाया हूँ मुझे पता है, फिर भी खाना पड़ेगा गाइस ये दाल चावल। तीखा है यार दाल चावल, बहुत ज्यादा तीखा है, इतना टेस्ट नहीं है, बहुत तीखा है। ठीक है गाइज मैं खा लेता हूँ जल्दी से। गाइज खाना हो चुका है खत्म, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर पुणे में क्यों आया हूँ, मतलब ये क्या कर रहा हूँ। गाइज ये टाइम आएगा तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करने वाला हूँ कि मैं क्यों आया हूँ, और पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले नहीं बात करना मैं चाहता, तो कुछ हो जाए, मतलब जो चीज़ के लिए मैं आया हूँ अगर वो हो जाता है तब भी उसके बारे में मैं बात करूँगा। उसके साथ मैं ब्लॉग तो बना रहा हूँ, और मैं थोड़ा पुणे भी एक्सप्लोर करूँगा, और ये भी आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग भी बनाऊंगा। गाइज आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं पूरा टाइम आने पे आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि क्यों मैं पुणे आया हूँ। हे गाइज वेरी गुड इवनिंग, अभी मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ घूमने के लिए। गाइज मुझे अभी गुपचुप खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा गुपचुप खाऊं। गाइज ये देखो ये गुपचुप खा रहे हैं, और एक हाथ में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है ये खाते खाते। गाइज ये देखो ये गुपचुप लास्ट है। गाइज ये पापड़ी मिला खाने के बाद गुपचुप। गाइज इधर क्या ना ट्रैफिक का सीन नहीं है, तो इसलिए बहुत देख के सावधानी से क्रॉस करना पड़ेगा। गाइज एक दोस्त भी आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ, आने के बाद वही चाय पियेंगे। मैं बहुत ज्यादा चाय पी रहा हूँ यार, सुबह शाम जब भी देखो चाय ही पी रहा हूँ। आ गया मेरा भाई, देखो आ गया। हेलो भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बिजी है, ऑफिस भी जा रहा है, फैमिली भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, इतना काम करेगा भाई, इतना पड़ता है भाई के लिए। तो अभी क्या ना चाय पियेंगे, और हम लोग सुबह शाम जब भी देखो चाय ही पीते रहते हैं। गाइस ये देखो चाय आ गया, और मोटू भी पी रहा है चाय, और मैं भी पी रहा हूँ। गाइस देखो ये अंडा और ये वाटर बोतल में एक लेके आया, ये 65 रुपीज 5 लीटर का आया यार। बंद हो गया फिर, पानी का बहुत प्रॉब्लम है यार इधर। अच्छा
अंडा भुजिया बनाऊंगा गाइस। अंडा भुजिया गाइस, ये देखो मैं अंडा भुजिया बना रहा हूँ। ये देखो ये किस में कर रहा हूँ, मेरे पास चम्मच ही नहीं है मतलब इसको बनाने के लिए। मैं भूल गया यार, रात में भी भूल गया मैं। गाइस ये देखो, ये सुबह का दाल मैंने इसमें डाल दिया। घर में तो मम्मी धो लेती थी, अभी खुद धोना पड़ेगा ये सब। ये अंडा भुजिया आपका रेडी है। अंडा भुजिया ये रेडी हो गया खाना। गाइस इधर ही रख के अभी ये दाल चावल और अंडा भुजिया के साथ खाना खा लेते हैं।